हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बायोलॉजी से लिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जिनको हम आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देते, स्किप कर देते हैं, भगा के देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर सीखने को मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, आज ये आपके रेलवे और एसएससी से लिए हुए बायो के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? मतलब ये पूछा द्विबीजपत्री कौन सा होता है, इसमें घास होता है या आम होता है या मक्की होता है या सभी होता है। आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। ये मकई नहीं है दोस्तों, ये मकई है। ठीक है दोस्तों, इसको मकई सही कर लीजिएगा। इसमें कौन सा, आप लोग बताइए कौन सा सही है। जो आपका आम होता है, ये आपका आम जो होता है आपका द्विबीजपत्री होता है। क्या होता है आपका, ये द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, अब ये द्विबीजपत्री होता क्या है, ये द्विबीजपत्री वो होता है वैसे भी जो दो बराबर भागों में टूटते हैं। आपको ये दो बराबर भागों में टूटते हैं, उन्हीं को द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग ले लीजिएगा, आपके आम हो गया, आप आम हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, और आपका ये दलहनी हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें द्विबीजपत्री में आते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? जो आपके ये इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? आपका जीवीय घटकों से या भू आकृतिक से या अजैविक घटकों से या सभी से, आप लोग बताइए किससे बना होता है। जो आपका ये पर्यावरण होता है, जीवीय घटकों, भू आकृतिक, अजैविक घटकों, इन सब के मिश्रण से बनता है। ठीक है, इन सब के मिश्रण से ही बनता है। इसका ऑप्शन डी होगा, सभी, इन सब के मिश्रण से ही आपका पर्यावरण बनता है। पर्यावरण में जो आपके सजीव पाए जाते हैं, जीव जंतु जो पाए जाते हैं, वो आपके जैविक कारक कहलाते हैं। जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, इसको कह सकते हैं, उसको आपको आपका ये जैविक घटक होते हैं। जैसे आपके जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए आपके ये पेड़ और ये पौधे हो गए, ये सब आपके जैविक घटकों में आते हैं। ये अजैविक घटक क्या होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, ताप हो गया आपका, वायु हो गया, और क्या, प्रकाश हो गया, ये सब आपके निर्जीव में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। चलिए अब आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? आपका ऑप्शन ये तना, ऑप्शन बी है शाखा, ऑप्शन डी है पर्ण, या ऑप्शन डी है जड़। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सी होगा, पर्ण जो है आपका ये फूल बनने का उद्दीपन का ये क्या कहता है, ग्रहण करता है। ये आपका जो फूल होता है, ये फूल के जो बोला गया है फूल बनने का कारण, इसमें फूलों के अगर आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में, फूलों के अध्ययन को आपको क्या कहते हैं, तो आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, फूलों के अध्ययन के एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज हमारे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही होगी। भ्रूण निम्न में से किसमें मिलता है? भ्रूण जो होता है आपका निम्न में से किसमें पाया जाता है, फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में? इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो भ्रूण होता है, ये आपका बीज में पाया जाता है। ठीक है, इसकी और एक है जिसे तने में, तने में कलियां पाई जाती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। आपका जो तना होता है एक, उसमें कलियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें कलियां पाई जाती हैं जिससे नए पौधे बनते हैं, इन्हीं से मिलकर के नए पौधे का निर्माण होता है, या नोड पर होता है। किस पर होता है, जो नए पौधे का निर्माण किस पर होता है, नोड पर होता है। ठीक है, आपका पौधे का वह भाग जिसके द्वारा, पौधे का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन वातु सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, उसे पत्ती कहते हैं। अब ये जैसे पत्ती पूछा जाता है, क्या होता है, जो पेड़ में पत्तियाँ लगी होती हैं, इसी चीज़ का ही डिफिनेशन लिख लीजिए। इसका भाग होता है जिसके द्वारा आपका श्वसन होता है, वातु सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये तो ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको जो लोग या हमेशा याद रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये आपका ये पत्तियों में होता है, जो कहते हैं पत्तियों में हरा रंग प्रकाश संश्लेषण के कारण पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है,
आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो आप पार्ट आपका 33 देख लेंगे, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमारे गले में थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, इसलिए इसके लिए आप लोग सॉरी। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।